हाँ जी बेटा, स्क्रीन भी नजर आ रही है आप सबको? चले फाइन, लीजिए आज हम स्टार्ट करेंगे जॉब कॉस्टिंग जनाब। ये चैप्टर है हमारे पास जॉब बैच कॉस्टिंग के बारे में जनाब। जॉब कॉस्टिंग क्या होती है, बैच कॉस्टिंग क्या होती है, इसके बारे में डिस्कशन है। ये एक छोटा सा चैप्टर है हमारे पास, ठीक हो गया? देखिए एक छोटा सा चैप्टर है हमारे पास जॉब बैच कॉस्टिंग के बारे में, ये डिस्कशन अभी हमने स्टार्ट कर लेंगे। चले सबसे पहले बात करता हूं, आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू थिंक, ये जॉब कॉस्टिंग क्या होता है? एक बच्चा पूछा है क्या ये चैप्टर प्रीवियस से लिंक करता है? बिल्कुल लिंक नहीं करता यार, इट्स अ डिफरेंट चैप्टर। अब से ऑनवर्ड हम जॉब बैच पढ़ेंगे, फिर हम प्रोसेस पढ़ेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग की आगे सारी चीजें, ये इनडिपेंडेंट है, जनरल चीजें पिछले वाली आएंगे, ऐसा स्पेसिफिक नहीं आएंगे, तो लिंक नहीं करता प्रीवियस चैप्टर से, ठीक है? अच्छा जी, हाँ जी, स्टार्ट करें जॉब। जॉब किसे बोलते हैं, कोई बता सकता है मुझे? हाँ जी, जॉब का मतलब क्या है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स मीनिंग ऑफ जॉब? जॉब कॉस्टिंग, जॉब का मतलब क्या है? बच्चे सर मैंने, अच्छा बेटा डिस्कस कर लेंगे हम, क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे कल सैटरडे को इंशाल्लाह, बाकी सब लोगों को भी टाइम दूंगा, आराम से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज मैं चाह रहा हूँ ये चैप्टर थोड़ा स्टार्ट कर दूंगा, आगे चलो जरा, ठीक है? और कुछ चीजें और भी आएंगी इसमें, ठीक है आयशा? चले अभी हम, मैंने सवाल मेरा ये है कि जॉब किसे बोलते हैं, मैं आगे चलूं, जॉब कॉस्टिंग अप्लाई करनी मुझे, जॉब बोलते किसको है? हाँ जी, सब लोग ट्राई करें स्पेसिफिक वर्क, ठीक है? हाँ जी, फंक्शंस परफॉर्म्ड, ठीक है, इसको जॉब बोलते हैं। जॉब कॉस्टिंग क्या मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जॉब कॉस्टिंग? हरी अब, हरी अब, सब लोग ट्राई करेंगे, हरी अब, हरी अब, हरी अब, क्विकली थोड़ा मुझे स्टार्ट देते रहते, फिर अभी मैंने स्टार्ट तो सेशन कर दिया था, लेकिन फिर वो आईपी बोर्ड ऑन करने के लिए मुझे टाइम लग गया उसमें। हाँ जी, बाकी सब लोग, कॉस्ट इनकर्ड इन परफॉर्मिंग ए जॉब, हाँ जी, चले बाकी सब लोग भी इंगेज हो यार, इतने लोग हैं, हम सब लोग क्यों नहीं डिस्कशन कर रहे इस पे? हाँ जी, बाकी सब लोग, क्यों नहीं मैं भी डिस्कस करूं, शुड आई स्टार्ट? लें जी स्टार्ट करते हैं। जॉब का मतलब क्या है, जॉब मीन्स, बिल्कुल, इट इज स्पेसिफिक ऑर्डर, एन इंडिपेंडेंट ऑर्डर, और यू कैन से द यूनिक ऑर्डर, उसे बोलते हैं जॉब। ये देखो, जॉब कॉस्ट अप्लाई करना है तो व्हाट इज द जॉब, जॉब किसे बोलते हैं बेटा? जॉब बोलते हैं
एक इंडिपेंडेंट ऑर्डर। ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा ऑर्डर जिसका किसी और ऑर्डर से लिंक नहीं है, एक स्पेसिफिक, एक यूनिक ऑर्डर है आपका, एक यूनिक, यू कैन से कि एक यूनिक ऑर्डर है, एक ऐसा ऑर्डर जिसका किसी से कोई लिंक नहीं, दैट इज अ यूनिक ऑर्डर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर। ये जॉब कॉस्टिंग वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे हर एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर से क्या होता है, डिफरेंट होता है बेटा। जहां पे हर एक ऑर्डर, हर एक क्लाइंट, वी कैन से दैट क्लाइंट, कि हर एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट से क्या होता है, मुख्तलिफ होता है, तो वहां पे ये चीज आप अप्लाई कर रहे होते हैं। जहां हर एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट से क्या होता है, मुख्तलिफ होता है, वहां पे हम जॉब कॉस्टिंग अप्लाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल इसमें ले ले, जहां पे हर एक कस्टमर का ऑर्डर दूसरे ऑर्डर से डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम करवाना है यार, तो मेरे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी में क्या मसला है, एक ट्यूबलाइट खराब है, एक मेरे यूपीएस के अंदर कोई बैटरी उसमें प्रॉब्लम आई हुई है, और एक रूम के अंदर इलेक्ट्रिक वायरिंग में प्रॉब्लम आया हुआ। तो वो अगर मैं किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाता हूं तो वो मेरा काम देखेगा कि क्या क्या काम है, कि एक ट्यूबलाइट ठीक करनी है, एक इलेक्ट्रिक बैटरी ठीक करनी है, या इसके अलावा कोई इलेक्ट्रिक वायरिंग ठीक करनी है। तो मेरे काम को देख के वो बताएगा जनाब कि वो मुझे कितना चार्ज करेगा, वो वर्किंग करेगा मेरे काम के लिए, कि यार इस कस्टमर के ऑर्डर को पूरा करने के लिए मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है, क्या क्या मटेरियल चाहिए। और फिर दूसरी वर्किंग करेगा जनाब इस क्लाइंट के ऑर्डर को पूरा करने के लिए लेबर कितनी रिक्वायर्ड है, लेबर की वर्किंग करेगा। देन देखेगा यार इस क्लाइंट के ऑर्डर को पूरा करने के लिए ओवरहेड्स कितने लगाए जाएंगे, लाइक दिस। तो मैं इनको वर्किंग ये करेगा कि इस क्लाइंट की इस तमाम ऑर्डर को पूरा करने के लिए, क्लाइंट की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, इन तमाम चीजों को देख रहा होगा। यहाँ पे कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है, कितना लेबर रिक्वायर्ड है, कितना इसमें है, इस क्लाइंट के ऑर्डर को पूरा करने के लिए कितना ओवरहेड रिक्वायर्ड है। तो इन तमाम चीजों की वर्किंग करेगा कि क्लाइंट की इन तमाम चीजों को पूरा करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीजें वो यहाँ पे देख रहा होगा और इसको पूरा करने की वो कोशिश करेगा। तो क्लाइंट की कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है, उन तमाम के अकॉर्डिंगली वो वर्किंग करेंगे। फिर वो देखेगा यार कि टोटल कॉस्ट इतनी लगेगी, फिर अपने ओवरहेड्स लगाएगा, फिर वो बताएगा जनाब कि वो अपनी सेलिंग प्राइस बताएगा कि प्राइस क्या होगी। इसी तरह अगर वो किसी और घर जाता है, ये तो मैंने अपने घर के अकॉर्डिंगली वर्किंग करवा दिया, किसी और के घर में जाएगा तो जरूरी नहीं कि जो मसला मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का है वही मसला उसी के घर में हो, वो उसके घर में उसके अकॉर्डिंगली देखेगा कि दूसरे घर के अंदर हो सकता है उसका एसी खराब है, वो एसी को ठीक करोगे, इलेक्ट्रिक आयरन खराब है उसको ठीक कर रहा होगा, इसके अलावा और दो चीजें खराब है। मीन एक ऐसा ऑर्डर नहीं कि वो जो इलेक्ट्रिशियन है वो हर एक घर में जाता है, हर एक घर की स्पेसिफिक जो इलेक्ट्रिसिटी के कोई इश्यूज है उनको देखता है और उनके अकॉर्डिंगली वर्किंग करता है कि इनके ऑर्डर को पूरा करने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, कितना लेबर चाहिए, कितने ओवरहेड लगाए जाएंगे, टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। तो इसके अकॉर्डिंगली वर्किंग करके वो प्राइस बता रहा था कि व्हाट ही विल चार्ज, वो प्राइस क्या चार्ज करेगा, उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रीट कर रहा होगा। इसी तरह से अगर आप देख लें, ज्यादातर ये लड़कियां, बहुत सी लड़कियां जो एम्ब्रॉयडरी का काम करवाती हैं शर्ट्स के ऊपर, यार वो दुकानदार के पास जाती हैं, शॉपकीपर के पास, वेंडर के पास, तो उसे बात करती हैं ना कि मैंने ये शर्ट है, ये शर्ट कितने का, ये एम्ब्रॉयडरी कितने की चार्ज करेंगी। तो देखते हैं यार कि काम कितना है, वो शर्ट के ऊपर देखते हैं कि किस किस्म का काम होगा, कितनी इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड है, क्या मटेरियल लगाया जा रहा है इसमें, कितनी इसमें लेबर रिक्वायर्ड है, कितने इसमें ओवरहेड लगेंगे, देन उसके अकॉर्डिंगली वो प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं। हर एक शर्ट की प्राइस दूसरी शर्ट की प्राइस से डिफरेंट होती है, क्यों? वो एक जॉब है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्डर होता है, कि हर एक क्लाइंट का ऑर्डर, हर एक कस्टमर का ऑर्डर दूसरे कस्टमर के ऑर्डर से क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एक क्लाइंट का ऑर्डर दूसरे कस्टमर के ऑर्डर से डिफरेंट होता है, वो उसके अकॉर्डिंगली उसको चार्ज करता जा रहा होता है। यार ठीक होगी बात? तो दिस इज अ जॉब। जॉब का मतलब क्या है कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्डर, एक स्पेसिफिक हम वर्किंग यू कर रहे होते हैं यार, कि ये जो क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, ये जैसे और एग्जांपल दे लेते हैं कि मेरी मोटरसाइकिल खराब होगी यार, फॉर एग्जांपल, तो ये मेरी गाड़ी खराब होगी फॉर एग्जांपल, तो मैं मोटर मैकेनिक के पास जाता हूँ, कार मैकेनिक के पास जाता हूँ, उससे जाके बात करता हूँ यार कि ये खराब होगी इसको ठीक कर दें, तो वो मेरे अकॉर्डिंगली वर्किंग करेगा कि यार इसकी गाड़ी को ठीक करने के लिए मटेरियल कितना चाहिए, इसकी गाड़ी को ठीक करने के लिए लेबर कितनी रिक्वायर्ड है, इसकी गाड़ी को ठीक करने के लिए ओवरहेड कितने लगाए जा रहे होंगे, इन तमाम चीजों की वो वर्किंग करता है।
किसकी गाड़ी को ठीक करने के लिए सारी की सारी चीजें कितनी लगाई जा रही होंगी, इन तमाम चीजों की वर्किंग करके वो कैलकुलेट कर रहा होता है कि क्या चीजें यहां पे कितनी कॉस्ट लगाई जा रही होगी। ठीक होगी बात यहां तक? तो इस तरह से हम इसको लेके चल रहे होंगे कि यार जॉब का मतलब क्या होता है, एक इनडिपेंडेंट ऑर्डर, एक ऐसा ऑर्डर जो दूसरे कस्टमर के ऑर्डर से क्या होता है, डिफरेंट होता है। एक इनडिपेंडेंट ऑर्डर, एक यूनिक ऑर्डर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर, एक ऐसा ऑर्डर जो दूसरे क्लाइंट के ऑर्डर से डिफरेंट होता है। तो हर एक क्लाइंट के अकॉर्डिंगली फिर हम वर्किंग कर रहे होते हैं। तो हम यूं वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं कि एक ऑर्डर को पूरा करने के लिए हम वर्किंग करते हैं कि एक ऑर्डर को पूरा करने के लिए मटेरियल कितना चाहिए। मटेरियल सपोज उस एक क्लाइंट ऑर्डर को पूरा करने के लिए 5 kg का मटेरियल चाहिए। रेट पर केजी क्या है? रेट पर केजी सपोज ₹10 है, तो मल्टीप्लाई करने के हमने ₹50 का क्या किया है, मटेरियल यहां पे कैलकुलेट कर लिया है। इसी तरह एक क्लाइंट ऑर्डर को पूरा करने के लिए लेबर कितनी रिक्वायर्ड है, लेबर के 2 hours रिक्वायर्ड है। रेट पर आवर क्या है, 3 है सपोज, ये 30 है, मल्टीप्लाई कर लिए 60 की मेरे पास लेबर आ गई है। एक क्लाइंट के ऑर्डर को पूरा करने के लिए ओवरहेड्स कितने चाहिए, ओवरहेड्स, तो ओवरहेड्स के लिए हमने की OAR रेट निकाला होगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, वो रेट कितना होगा, 6 पर आवर रेट होगा। आवर्स कितने, 2 है सपोज, तो मल्टीप्लाई कर लिया हमारे पास, तो ये क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। याद है कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही 110, दिस इज व्हाट, दिस इज द प्राइम कॉस्ट, ये हमारी प्राइम कॉस्ट होती है कि हमने प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, हमारे पास जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है ये सारी प्राइम कॉस्ट होती है, मेजर कॉस्ट होती है। और इसके बाद हमने ओवरहेड्स, ओवरहेड्स का हमने रेट निकाला होगा। नॉर्मली क्या होता है कि लेबर की कॉस्ट दी होती है और रेट दिया होता है, लेबर के आवर्स नहीं दिए होते, तो लेबर के आवर्स हम फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करके हम लेबर की सारी कॉस्ट निकाल लेते हैं, आवर्स निकाल लेते हैं, उन आवर्स को हम ओवरहेड्स के ऊपर अप्लाई करवा देते हैं, तो हमारे पास ओवरहेड की कॉस्ट भी आ जाती है। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये हमने कॉस्ट निकाल ली, तो हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आएगी, दैट इज 122, दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोडक्शन कॉस्ट। दिस इज, ये हमारे पास क्या आ गई, प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। मटेरियल लिया, लेबर लिया, प्राइम कॉस्ट निकली, ओवरहेड्स को ऐड किया, हमारे पास ये प्रोडक्शन की कॉस्ट आ गई। ये सारी की सारी हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। इसमें ऐड कर लेंगे हम यहाँ पे अगर हमारे पास कोई नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हम कैसे ऐड करेंगे यहाँ पे, उसके लिए हम वर्किंग कर लेंगे। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हो सकता है, हमें यू कहा जा रहा है कि टोटल कॉस्ट का 10% है, तो ठीक है 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी हमारे पास 122, तो प्रोडक्शन कॉस्ट का 10% लिया मैंने, तो मेरे पास क्या है, दिस इज 12.2। तो वर्किंग किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, ऐड करके बताएं मुझे सब लोग बेटा, हाँ जी, क्या वैल्यू आती है, एक मिनट, चलो हाँ जी, आप बताएं बेटा क्या आ रही वैल्यू, टोटल कॉस्ट क्या आ रही, हरी अब सब लोग, हाँ बेटा 12, ये 10% लिया है इसका, 122 है, इसमें 10% ऐड करना बेटा, दिस इज 12.5, 100% 10% है उमर बेटा, 122 प्लस ये 12.2 ऐड करें, हरी अब हरी अब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 120, इट्स नॉट 20, इट्स 142, दिस इज 142, दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटल कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में हमने नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी ऐड कर ली, हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट आ गया। अब टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट में हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमारे पास इस टोटल कॉस्ट में क्या करेंगे, तो प्रॉफिट मार्कअप या मार्जिन भी ऐड कर लेंगे। तो सपोज वी हैव अ प्रॉफिट मार्कअप हमारे पास, प्रॉफिट मार्कअप कितने, वो 20% है, 20% हमारे पास प्रॉफिट मार्कअप है यार, तो प्रॉफिट मार्कअप इसमें 20% ऐड करें, हरी अब
142.2 इसमें प्रॉफिट मार्कअप। हाँ बेटा ये 142 है, 142 एक मिनट यार, वन यस क्या यार, ये भी 134 है यार, वेट दिस इज 134.2 एग्जैक्टली। अब इसका नहीं 20% 26.8 क्या आ रहा है। हरिए भरिए भरिए सब लोग इंगेज हो जल्दी, अभी हमने पास पेपर पे जाना है या फिर हम इस पे जाएंगे क्वेश्चन बैंक पे जाएंगे भी। जल्दी वी विल मूव ऑन दैट। हाँ जी क्या वैल्यू आ रही मेरे पास, दैट इज 26.8 ये वैल्यू आ गई मेरे पास एग्जैक्टली। अब ऐड करें टोटल कॉस्ट क्या निकाली जा रही मेरे पास, हरिए फरिए फरिए सब लोग बेटा तो हमारे पास ये प्राइस आ गई जनाब 161.04। हम यूं कह सकते हैं वी कैन से दैट इस एक क्लाइंट की कॉस्ट को पूरा करने के लिए हमारे पास, यानी हम अपने क्लाइंट को कितनी प्राइस बताएंगे, लाइक हम बता रहे होंगे दैट इज अवर सेलिंग प्राइस कि 161.04 रुपीज है, ये है क्या है हमारे पास, दिस इज अवर सेलिंग प्राइस है, तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस इज 161.04 रुपीज है, यानी हम इतने का अपने एक प्रोडक्ट मार्केट में सेल करेंगे, दैट इज अवर सेलिंग प्राइस। इज इट डन, यहां तक कोई मसला भी, अच्छा जी क्या करता हूं मैं जरा एक मिनट जरा मैं बुक से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फिर मैं उस पर जाऊंगा क्वेश्चन बैंक के ऊपर। नहीं जी हम कहां पे थे, एक मिनट यार बुक लगा लेते हैं। ये हमारे पास आ गया जॉब बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग, ये आ गया। अब जॉब बैच जॉब में क्या आता है, हमने अभी बात की, क्या बात की अभी हमने, अभी हमने बात की कि जॉब कॉस्टिंग होता क्या है, तो जॉब हम क्या करते हैं यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग करने के लिए हम जॉब अकाउंट बना रहे थे, जैसे ये आपके पास बना है थोड़ा सा वर्किंग की भी कि यार एक ऑर्डर को पूरा करने के लिए हम वर्किंग यहां भी ये कर रहे होते हैं कि एक ऑर्डर को पूरा करने के लिए वर्किंग करेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल कितना चाहिए ना एक क्लाइंट ऑर्डर को पूरा करने के लिए, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट आएगी निकाल लेंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, ओवरहेड जितने भी है ओएआर के तो हम एब्जॉर्ब करवा देंगे, तो यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आगी, तो डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको एड किया तो हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट आगे दैट इज 1750, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी एड करिए तो हमारे पास ये टोटल कॉस्ट आगे, तो दिस इज, तो इस तरह से हम टोटल कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से ये एक स्पेसिफिक जॉब का नाम दिया हुआ आपको जॉब 453। कंपनीज में डिफरेंट ऑर्डर आ रहे होते हैं, डिफरेंट कस्टमर्स के डिफरेंट ऑर्डर होते हैं यार, तो फिर क्या करते हैं हर एक कस्टमर का ना वो नाम की बजाय हम उसके ऑर्डर नंबर लगा देते हैं कि जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 जॉब 4 जॉब 5 लाइक दिस, तो एक यूनिक नंबर चलता जा रहा होता है। ये हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई उसने, हम एग्जाम्पल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड अबाउट द जॉब नंबर 453, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, इस ऑर्डर को पूरा करने के डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी दी हुई रुपीज 100 की बेटा, तो 100 आ जाएगा, लेबर की कॉस्ट कितनी 60 रुपीज की दी वो आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने 40 की दी है वो भी हमने आ गया। अब द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 20 पर आवर है, लेबर का रेट दिया हुआ 20 पर आवर, इसका मतलब नंबर ऑफ आवर्स कितने होंगे 3, तो नंबर ऑफ आवर्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, रेट पर आवर दिया हुआ बेटा हमारे पास दैट इज 20 पर आवर है, टोटल कॉस्ट भी दी हुई 60, तो टोटल कॉस्ट भी गिवन है रेट पर आवर भी गिवन है, तो हमने डिवाइड करके आवर्स निकाली कि लेबर के पे कितने आवर्स लगे हैं 3 घंटे लगे हैं 3 आवर्स, तो 3 आवर्स लेबर के हमने यहाँ पे यूज कर लिए, तो 3 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 20 दिस इज 60, इन तीनों को ऐड किया प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, इसके बाद ओवरहेड्स को हमने भी रेट 30 से अब्सॉर्ब करवा लिए 3 × 30 करके, तो टोटल कॉस्ट आ गई 190 की। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या बताया हुआ सवाल में कि नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर चार्ज एट द रेट ऑफ 40% ऑफ द प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट कितनी है, प्राइम कॉस्ट हमने ऐड की थी 100, 60 और 40 तीनों को ऐड किया। अच्छा ये ऐड थोड़ा गलत हुआ हुआ है,
ये बात समझ आ रही बेटा? सवाल में थोड़ा सा एरर है क्यों जी? अंडरस्टैंड या नहीं? यू कर लें, या फिर मटेरियल कॉस्ट को जीरो कर लें, या फिर टोटल को 200 करें, सारा आगे चेंज करना पड़ेगा। तो या मटेरियल कॉस्ट जीरो कर लें तो ऑटोमेटिकली फिर वो बाकी सब कुछ हो जाएगा। ठीक हो गया, यहां तक कोई इशू? अच्छा जी, तो क्या करते हैं हम? अच्छा जी, क्वेश्चन बैंक निकल गया था, मतलब क्वेश्चन बैंक, एक मिनट यार, दिस इज क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक में मेरे पास क्वेश्चन बैंक कर लो, एक मिनट जरा, अभी क्वेश्चन बैंक में हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं, कोई दो तीन सवाल ही मुझे याद है, किसके एक दो सवाल ही, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये जॉब चले 6.1 देखिएगा सब लोग, सब लोग यू शुड ट्राई, सब लोग ट्राई करेंगे भाई, कोई मसला तो मैं डिस्कस करूंगा। All of you should try. अभी के अभी जल्दी स्पीड में। हाँ जी, मटेरियल कॉस्ट कितनी थी सवाल में? अ कंपनी ऑपरेट्स अ जॉब कॉस्टिंग सिस्टम, द जॉब नंबर 6789 नंबर दिया हुआ है, जॉब का नाम के लिए नंबर के लिए, विल रिक्वायर रुपीज 345 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, इसको पूरा करने के लिए डायरेक्ट मटेरियल कितना चाहिए? 345, एंड रुपीज 210 ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितनी दी हुई? 210 की दी हुई, विच इज पेड रुपीज 14 पर आवर, 14 पर आवर है, नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई करके तो ये हमारे पास आवर है। शुड आई सॉल्व? बताएं जी, क्या मुझे सॉल्व करना चाहिए बता दे, मैं साथ साथ सॉल्व करता जाता हूं। क्यों भाई सुबान की तरह भाई एब्सेंट तो नहीं आई? हाँ जी, बाकी सब लोग कितनी कॉस्ट है टोटल? वन टू टू सेवन जी, सबको क्लियर है अभी? बाकी सब लोग हरिया फरिया फरिया क्विकली
कि बड़े सबका यही आंसर आ रहा है. ऑल ऑफ यू हैव द सेम आंसर. Is it clear? चले आगे जनाब. Should we continue? अगर सबको क्लियर होगा तो आगे चले. चले बेटा आगे चलते हैं. नहीं आगे चलते हैं. अब वापिस में आते हो इस पर. ये सवाल तो आपने देख लिया, डन हो गया. अब इसमें क्या करते हैं, यहां पे जस्ट लाइक जॉब अकाउंट बनाते हैं. जैसे ये अकाउंट बना हुआ, अभी मैं एंट्रीज भी बताता हूं आपको, एंट्रीज कौन कौन सी होती है. यानी उस पूरी जॉब को कंप्लीट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं. इसको यू कह लें या इसको कॉस्ट ऑफ सेल कह लें या इसको इनकम स्टेटमेंट कह लें. इस पूरी जॉब को पूरा करने के लिए डायरेक्ट मटेरियल अकाउंट, डायरेक्ट मटेरियल में हमने इनपुट किया, डायरेक्ट लेबर हमने इनपुट किया, डायरेक्ट एक्सपेंस हमने इनपुट किया, ओवरहेड्स लगाए हमने. ये सारी प्रोडक्शन की कॉस्ट है. ये सारी अमाउंट कहां ट्रांसफर होगी हमारे पास, कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर हो रही होगी. नेक्स्ट आगे एक एग्जाम्पल लेके उसने आपको ये दिया हुआ आइडिया. हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल आप खुद कर लीजिएगा बेशक, मैं आपको उसमें से क्वेश्चन बैंक में से ये पास पेपर्स में उसके सवाल करवा देता हूँ. एक एंट्रीज में आइडिया देता हूँ आपको एंट्रीज के बारे में. चलो अच्छा, इसमें क्या क्या एंट्रीज होती है, इस पर आता हूं मैं वापस. क्या एंट्रीज पास करते हैं, एंट्रीज हमने पढ़ी कुछ कॉस्ट फ्लो मेथड्स के अंदर हमने कुछ एंट्रीज पढ़ी, तो ये भी यहाँ भी कुछ उस तरह की एंट्रीज हो रही होती है. तो एंट्रीज नॉर्मली किस तरह से हो रही होंगी हमारे पास, तो डबल एंट्री हम यहां पे क्या पुट करेंगे, तो हम यू वर्किंग करेंगे. कंपनी है, कंपनी कई जॉब्स हमारे पास आ रही होती हैं. जॉब ए है, जॉब बी है, जॉब सी है, डी है, वट एवर जॉब का नंबर है हमारे पास. तो कंपनी क्या करेगी यहां पे, उसके लिए एंट्रीज कैसे करेगी. हाँ जी, तो सबसे पहले एंट्री जितनी भी कॉस्ट लगाई जा रही है सारी की सारी कॉस्ट WIP में ट्रांसफर होगी. जितनी भी मटेरियल की कॉस्ट होगी हमारे पास, मटेरियल कॉस्ट सारी की सारी मटेरियल कॉस्ट कहां ट्रांसफर होगी, WIP के अंदर. वर्क इन प्रोग्रेस में सारी की सारी कॉस्ट हम ट्रांसफर करते जा रहे होते हैं. तो जितनी भी हम कॉस्ट लगा रहे होंगे, जॉब ए है, बी है, सी है, हर एक का बेसिक अलग अलग WIP बना लें. लाइक जॉब ए है तो WIP वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट ए जॉब ए के लिए, और यू इसी तरह WIP अकाउंट ऑफ जॉब बी के लिए. दो जॉब की एग्जाम्पल है. और क्या मटेरियल कॉस्ट लगाया, तो मटेरियल अकाउंट को मैं यहां से क्रेडिट कर दूंगा. सो मटेरियल अकाउंट इसको हम क्या करेंगे, ये क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास. और ये सारी की सारी कॉस्ट कहां जा रही है, ये हमारे पास रिस्पेक्टिव उनके WIP अकाउंट में जा रही है, उनको हम डेबिट कर देंगे. सो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट कर देंगे और मटीरियल कंट्रोल अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे होंगे. ठीक हो गया. यानी इससे पहले भी क्या एंट्री होती नॉर्मली, हम मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, वो स्टेप वन हमारे पास होता है. तो ये हमारे पास एक तरह से स्टेप टू होता है. लेकिन बेसिकली क्या होता है कि वो तो हमने एंट्रीज करनी है कंपनी, जब अब हमने जॉब के पॉइंट से वर्किंग करनी है कि किसी स्पेसिफिक जॉब का भी अकाउंट बनाना है, तो उस जॉब का सबसे पहले क्या बनेगा, WIP. WIP ऑफ जॉब ए, WIP ऑफ जॉब बी, जॉब सी, जॉब डी, जितनी भी जॉब है उन तमाम के WIP में सारी मटीरियल की कॉस्ट, सारी लेबर की कॉस्ट, सारी ओवरहेड की कॉस्ट हम ट्रांसफर करेंगे. तो मटेरियल के लिए एंट्री क्या होगी, WIP अकाउंट डेबिट और वर्क इन WIP अकाउंट डेबिट और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट. इसी तरह से लेबर के लिए एंट्री क्या होगी, फिर वही WIP वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ जॉब ए एंड वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ जॉब बी. वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट कर देंगे हम, वेजेस कंट्रोल अकाउंट को हम क्रेडिट कर लेंगे. लेबर बोल रहे हैं या वेजेस बोल रहे हैं, वेजेस कंट्रोल अकाउंट को हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्रेडिट करेंगे. ये हमारे पास डेबिट हो जाएंगे तो वो हमारे पास वो उसको हम उनको हम क्रेडिट करेंगे. तो हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस में जितना भी लेबर है, लेबर भी सारी की सारी हम ट्रांसफर कर देंगे. पहले हमने मटेरियल ट्रांसफर किया, अब हमने लेबर ट्रांसफर किया. इसी तरह से अब हम ओवरहेड भी ट्रांसफर कर देंगे इनके अंदर, ओवरहेड भी इसी तरह से ट्रांसफर करेंगे. तो लाइक WIP
वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ ए इनको डेबिट कर देंगे हम, इसी तरह वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ बी इसको भी डेबिट कर देंगे हम यहाँ पे, और क्या प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जितने भी आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट कह लें या पीएच कंट्रोल अकाउंट कह लें, उनको हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो सिंपली वी कैन से दैट सारे के सारा मटेरियल, सारे के सारा लेबर, सारे के सारे ओवरहेड्स वो हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, ये ओवरहेड एब्जॉर्ब द बेस पे होंगे, एक्चुअल नहीं होंगे, एब्जॉर्ब द बेस पे होंगे नॉर्मली, एब्जॉर्ब बेस पे। तो मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड से सारे के सारा हमने उस एक कॉस्ट को हमने चार्ज कर लिया, तो उनके स्पेसिफिक हर एक जॉब का एक वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बन जाएगा, तो उसके वर्क इन प्रोग्रेस में सारी की सारी कॉस्ट, मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड्स की, वो सारी की सारी कॉस्ट हम ट्रांसफर कर रहे होंगे। ठीक होगी बात बेटा ये, हाँ जी, यहां तक बात क्लियर होगी। अच्छा जी, अब डब्ल्यू आई पी सी की सारी कॉस्ट कहां ट्रांसफर करेंगे, डब्ल्यू आई पी सी वर्क इन प्रोग्रेस हमने बना लिया। अब स्टेप टू में नॉर्मली हम क्या किया करते थे, डब्ल्यू आई पी जब अकाउंट बन जाते थे तो डब्ल्यू आई पी सी सारी की सारी कॉस्ट हम कहां ट्रांसफर किया करते थे। अच्छा, ओवरहेड जो हमने यहां पे लिए होंगे, ओवरहेड ये मैंने बताया कि हमने एब्जॉर्ब लिए होंगे, तो एक्चुअल ओवरहेड ये डिफरेंट भी तो हो सकते हैं, क्यों जी, एक्चुअल ओवरहेड्स और एब्जॉर्ब ओवरहेड में फर्क आ सकता है, तो वो अंडर ओवर का फर्क आ रहा होगा यहाँ पे, वो अंडर ओवर एब्जॉर्ब का जितना भी फर्क आएगा वो कॉस्ट ऑफ सेल में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो लाइक अगर अंडर एब्जॉर्ब है तो कॉस्ट ऑफ सेल का डेबिट होगा, वो कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट उसको जॉब ए का मैं उसको डेबिट कर दूंगा, और पीएच प्रोडक्शन ओवरहेड्स को यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनको मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, ये इसको मैं इनकम स्टेटमेंट कह लें या प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोल लें, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर करना। ओवर एब्जॉर्ब होता तो फिर क्या करते, फिर मैं प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट करता यहाँ पे, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स को मैं डेबिट करता। नहीं सपोज कर ले, पहले मैंने प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने ले चुका हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं 100 ले चुका हूँ, यहाँ कॉस्ट मैंने 80 ट्रांसफर कर दी हुई सपोज, तो यहाँ मैंने 20 ट्रांसफर कर दी सपोज, लाइक ऐसा कर लें आप, ये 1000 है, ये जो भी कर लें आप। अब उसमें हुआ क्या कि 80-20 ठीक है, अब एक्चुअली 100 नहीं था, एक्चुअली क्या था, ये तो 110 था यार, एक्चुअली ज्यादा हमने अंडर एब्जॉर्ब करवाया, तो 10,000 का जो अंडर एब्जॉर्ब है वो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल में डाल देंगे या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल देंगे। तो एक्चुअली ओवरहेड हमारे पास कितने 110 के हैं, तो 110 के हैं तो 10 हम इसमें डाल देंगे, 110 के यहां मैं 10 ही लूंगा खाली, 100 से पहले मैं ले चुका हूं यहां पे, तो इनको ऐड करेंगे 110 बन जाएंगे हमारे पास। बाकी ओवरहेड्स कि जॉब भी एंट्री पास करेंगे वो एब्जॉर्ब बेस, हाँ जी, फैक्ट्री ओवरहेड्स नॉर्मली हम एब्जॉर्ब बेस पे लेके जाते हैं, फिर अंडर ओवर एब्जॉर्ब का जितना भी फर्क होगा वो हम बाद में कंसीडर कर रहे होते हैं कि अंडर एब्जॉर्ब कितना हुआ, ओवर एब्जॉर्ब कितना हुआ, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर कॉस्ट सेल में लेटर हम ट्रांसफर कर रहे होंगे। अच्छा जी, इसके बाद ये सारे के सारे हमारे पास डब्ल्यू आई पी में जितनी भी कॉस्ट हमने ट्रांसफर की है, ये सारी कॉस्ट कहां ट्रांसफर होगी, इनके अपने अपने फिनिश गुड्स के अंदर, यू कह लें कि फिनिश गुड्स के अपने अकाउंट्स बनेंगे, फिनिश गुड्स ऑफ अकाउंट ए कह लें, इसको डेबिट किया तो डब्ल्यू आई पी ऑफ ए इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा, डब्ल्यू आई पी ऑफ द ए जॉब ए की डब्ल्यू आई पी में जितनी भी कॉस्ट आई थी वो कहां ट्रांसफर होगी, सारी की सारी इसके फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर होगी। तो ऐसा पॉसिबल है हमारे पास, एक और भी बता दूंगी, ऐसा भी पॉसिबल है कि जॉब इन्हें 100% अभी हमने कंप्लीट नहीं की, यानी ये 10% या 20% पहले ही कंप्लीट थी, तो फिर इसका ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है यहाँ पे, यानी जॉब ए था इसका कुछ हिस्सा हमने पहले बना लिया हुआ था, यानी क्लाइंट ऑर्डर आया तो उसका कुछ हिस्सा हमने पहले बनाया हुआ, यानी कुछ कॉस्ट हमने पहले लगाई हुई है, तो वो ओपनिंग कॉस्ट होगी, तो वही वो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कह रहे हैं इसको बेशक, तो वो ओपनिंग कॉस्ट होगी, तो वो भी ऐड कर लेंगे, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स अभी हमने लगाया इनको भी ऐड कर लेंगे, तो सबको ऐड करके हमारे पास टोटल आ जाएगा, तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट कर देंगे और डब्ल्यू आई पी अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर रहे होंगे। ठीक होगी बात बेटा यहाँ तक, इसी तरह से हम यहाँ पे इसको हम लेके चल रहे होंगे। अब इसी तरह से हमारे पास फिनिश, अब सारे के सारे फिनिश गुड्स कहाँ जाएगा आगे, रिस्पेक्टिव फिनिश गुड्स आगे कॉस्ट सेल में जा रहा होगा या इनकम स्टेटमेंट कह रहे हैं, तो आगे नेक्स्ट जो एंट्री इसमें हो रही होगी वो सारे का सारा फिनिश गुड्स, ये पहले डेबिट हुआ है और ये क्रेडिट हुआ है, ठीक हो गया, सबसे पहले कॉस्ट डब्ल्यू आई पी में, डब्ल्यू आई पी फिनिश गुड्स में चलेगी, देन फिनिश गुड्स को मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा, अगर ए की है फिनिश गुड्स, किसकी फिनिश गुड्स है मेरे पास, ये फिनिश गुड्स ऑफ ए है, फिनिश गुड्स ऑफ जॉब ए, इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा, सारी कॉस्ट कहां ट्रांसफर कर दूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर उसमें ट्रांसफर कर दूंगा, उसको मैं डेबिट कर दूंगा,
तो फिनिश गुड्स स्टील से निकल के ये सारी की सारी कॉस्ट कहां ट्रांसफर होगी, वहां से निकल के ये सारी की सारी कॉस्ट ट्रांसफर हो जाएगी हमारे पास कॉस्ट गुड्स सोल्ड के अंदर। तो फिनिश गुड्स अकाउंट क्रेडिट और कॉस्ट गुड्स सोल्ड को हम डेबिट करेंगे, कॉस्ट गुड्स सोल्ड से इनकम स्टेटमेंट चली जाएगी और ये हमारी एंट्री कॉस्ट हो जाएगी। इट इज डन, क्लियर की बात क्या बेटा, एंट्रीज में कोई मसला भाई? अभी अप्लाई कर लेते हैं उसको यार, ये मैं क्वेश्चन बैंक से कर लेता हूँ। चले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, चले यार ये देख लेते हैं, ये 6.2 क्वेश्चन आपके सामने है यार, इसको देखना है, सबके हमने एंट्रीज पास करनी है अभी के अभी। रीड द क्वेश्चन 6.2 क्वेश्चन बैंक से, 6.2 बेटा क्वेश्चन है, इसको रीड आउट करेंगे आप, हम अभी के अभी इसको अप्लाई करेंगे आप। हाँ जी बेटा देखते हैं सवाल को, प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड ऑल द अबव ट्रांजेक्शन, सब क्लेम में ट्रांजेक्शन करने देना, सब क्लेम में एंट्री पास करें। अहमद एंड कंपनी इज एंगेज द प्रोडक्शन ऑफ द इंजीनियर पार्ट, इट रिसीव बल्क ऑर्डर फ्रॉम बाइसिकल मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉलोज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। ऑन July 1, 2003 टू जॉब्स वर इन प्रोग्रेस वेर एज टू जॉब्स वर ओपन ड्यूरिंग द ईयर, द डिटेल्स आर एज फॉलोज। कुछ काम जिन जॉब ए जॉब बी का कुछ काम पहले ही हो चुका हुआ है, तो इसकी जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो इसमें पहले ही ऐड कर लेंगे, और सीओडी के लिए हमें अभी ये भी स्टार्ट किया काम, तो वर्क इन प्रोग्रेस दोनों को ए और बी का ओपनिंग दिया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद रॉ मटेरियल दिए हुए, रॉ मटेरियल इशूड फ्रॉम द स्टोर डिपार्टमेंट जॉब ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए कितना हुआ है, इसमें डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क ये कितना हुआ है हमारे पास, रेट ऑफ लेबर आवर्स पर आवर ये कितना है, सब कुछ दिया हुआ है हमें। Other related information is as follows: factory overhead is applied to the jobs at ₹10 per labor hour. Rate per hour दिया हुआ है हमें, hours भी दिए हुए, multiply करके निकल आएगा। Actual factory overheads for the amounted to 900,000. Absorbed हमने कितने की और actual का फर्क निकाल लेंगे, under over को भी transfer कर देंगे, under over factory overhead charge और profit loss को हमें transfer कर देंगे, ठीक है। Job A was completed during the year, job A को complete कर देंगे, all the goods were shipped to the customers, ठीक हो गया। इसको हम क्या करेंगे, फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करके सारी के सारे को हम इनकम स्टेटमेंट कॉस्ट गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे। जॉब वी वाज आल्सो कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, हाउएवर अबाउट 10% ऑफ द गुड्स वर रिजेक्टेड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, यानी जॉब वी की जितनी भी कॉस्ट निकलेगी 90% कॉस्ट लेंगे, 10% नहीं लेंगे। दीज वर ट्रांसफर टू जॉब सी वेयर दे विल बी यूज्ड आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, तो जॉब सी में फिर ट्रांसफर हो गया, वहां इसकी एडजस्टमेंट कर रहे होंगे आप।
ठीक होगी जनाब बात। एंड अच्छा मीन खाली करना है कि यहां पे एंट्रीज पास करनी है यार। तो एक तो ओपनिंग स्टॉक दिया वर्किंग प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक इज एंट्री नहीं होती। रॉ मटेरियल इश्यूड फ्रॉम द स्टोर ये ले लेंगे यहां पर, कितना कितना दिया हुआ, जॉब ए है, बी है, सी है, डी है, चार जॉब है बेटा, चारों जॉब को डेबिट कर लेंगे, वर्किंग प्रोग्रेस को डेबिट कर लेंगे और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को यहां पर क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। तो लाइक कैसे एंट्री होगी, थोड़ा मैं इसमें आइडिया दे दूं आपको। लाइक चलेंगे कॉट शीट ले लेते हैं, यहां कर लेते हैं, मेरे पास चार जॉब्स हैं, सो डब्ल्यू आई पी ऑफ जॉब ए, डब्ल्यू आई पी ऑफ जॉब बी, डब्ल्यू आई पी ऑफ जॉब सी कर ले एंड डब्ल्यू आई पी ऑफ जॉब डी कर लेना। ये चार जॉब्स हैं मेरे पास, चारों जॉब्स को मैंने क्या किया यहां पर, इनको मैंने यहां भी इसकी वर्किंग कर रहा हूं। तो क्या दिया हुआ है मेरे पास, जॉब ए बी सी डी सबका मटेरियल कितना कितना दिया हुआ था, हाँ जी ये 800 है, 800 100,000 1000 नहीं लेते हम, 100 ले लेते हैं, 800 है, 1200 1500 600 है, ठीक हो गया, 800 1200 1500 एंड आई थिंक दिस इज 600, इन सबको ऐड करें क्या बनता है, तो इन सबको ऐड करके जो बनेगा तो रॉ मटेरियल अकाउंट का या मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को हम क्रेडिट कर लेंगे, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट विल बी क्रेडिट 4100, तो ठीक हो गया 4100 से इसको हमने क्रेडिट कर दिया। नहीं जी पहली एंट्री होगी इसमें कोई मसला भी, पहली एंट्री हमारे पास क्लियर है, फर्स्ट एंट्री क्लियर है यार, सेकेंड एंट्री भी हम देखते हैं यहां पर। सेकेंड एंट्री में क्या बात की जा रही है, अब कोई लेबर की बात की जा रही है बेटा, लेबर को देखेंगे यहां पर हम। अच्छा जी सवाल पे जाते हैं, लेबर डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए ना, 20,000 है, 30,000, 15,000, 8,000 और लेबर के रेट पर आवर भी दिया हुआ, 20 है, 18 है, 16 है, 15 है, तो आवर्स को ये नंबर ऑफ आवर्स को रेट पर आवर्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उसी तरह से यार, तो 20,000 को 20 से, 30,000 को 18 से लग गए, तो क्या करेंगे यहां पर हम एंट्री बेटा कैसे पास करेंगे हम उसी तरह से बेटा, कैसे एंट्री पास होगी, एक चले डब्ल्यू आई पी ऑफ ए ले लें, डब्ल्यू आई पी ऑफ बी ले लें, डब्ल्यू आई पी ऑफ सी ले लें, डब्ल्यू आई पी ऑफ डी ले, और वेजेस कंट्रोल अकाउंट को हम क्या करेंगे यहां पे हम वेजेस कंट्रोल अकाउंट को या पेरोल अकाउंट, पेरोल भी कर लें या वेजेस कंट्रोल अकाउंट कर लें, उसको हम यहां से क्रिएट कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट कहां से ट्रांसफर होगी, कंपनी की पेरोल से एक तरह से ट्रांसफर होगी, तो हम यहाँ पे बेहतर यह है कि हम पेरोल को क्रेडिट करते हैं। लाइक हम यू करेंगे पेरोल से सारी कॉस्ट हम पे करे होते हैं ना, तो वहां से वर्किंग कर लेंगे कि पेरोल अकाउंट से कितनी कॉस्ट हमने जॉब ए पे लगाई, कितनी बी पे, कितनी सी पे, कितनी डी पे, जरा मुझे बताएं जरा यार आवर्स को मल्टीप्लाई करके कॉस्ट बताएं जरा, ए की कितनी कॉस्ट आ रही, सब लोग वर्किंग करें जरा, यहाँ पे क्या करूंगा 20,000 घंटे थे और 20 पर रेट था मेरे पास, ये दिया हुआ था, ठीक हो गया, तो कैलकुलेट करें जरा, तो ये मेरे पास यहां पहले में क्या आया 40,000 आ गया बेटा, अब दूसरे में बताएं क्या आता, जल्दी जरा करें मल्टीप्लाई मुझे बताएं, पहले में तो 400,000 आ गया, ठीक है 1000 देशे ना लिखे इसमें, दूसरे में कितना आ रहा है 540,000 कर ले चले, और क्या तीसरे में क्या आ रहा है 240,000 कर लेंगे ना, चौथे में 270,000 कर लेंगे, इन सबको ऐड किया क्या बनता है 1450,000 डन। लाइक दिस हम ये एंट्री पास करेंगे 1450,000, मटेरियल को भी हम लेबर को भी हमने यहां पे अप्लाई करवा दिया। अब लेबर की बात क्या रह गई हमारे पास, लेबर की बात क्या रह गया,
ओवरहेड रहेगी मेरे पास, लेबर के पास क्या रहेगी मेरे पास, ओवरहेड आ गए ना। तो ओवरहेड्स के लिए हम क्या करेंगे, ओवरहेड्स का हमने क्या सवाल में लिया हुआ, कहते ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब एट द रेट ऑफ 10 पर डायरेक्ट लेबर आवर। सो 10 पर डायरेक्ट लेबर आवर, 10 का रेट लगाना हमने, तो आवर्स दिए हुए, तो अप्लाई कर देते हैं यहां पे। सो WIP ऑफ जॉब ए, WIP ऑफ जॉब बी, WIP ऑफ जॉब सी, WIP ऑफ जॉब डी कर ले। हाँ जी, आवर्स वही इसी तरह से 20,000 आवर्स है, रेट पर आवर कितने हैं, 10 है। करें, एक का निकालें, एक का जल्दी मुझे बताएं क्या वैल्यू आती, ये तो 200,000 आ गया ना, 200,000 कर लें या 200 ही कर लें। हाँ जी, हमने कहां से सारी की सारी कॉस्ट ट्रांसफर करनी है, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट्स में। हाँ जी बताया जरा, WIP बी, बी का बताया मुझे क्या वैल्यू आती, जल्दी हरी अप, हाँ जी बेटा हरी अप हरी अप हरी अप, क्या वैल्यू आएगी, टू हंड्रेड, थ्री हंड्रेड, 150 एंड 180, 180,000, और सारे का सारा क्या है ये 1830, ये टोटल 830,000, ठीक है 830,000 करने, ठीक हो गया। लेकिन ये एंट्री होगी, लेकिन यहां तक कोई मसला, डन, इज इट डन बेटा। जॉब ए का मैंने मटेरियल का भी, जॉब ए का मैंने लेबर का भी, जॉब ए का मैंने ओवरहेड का भी, तमाम जॉब्स का मैंने मटेरियल की भी एंट्री कर दी, लेबर की भी एंट्री कर दी, और मैंने ओवरहेड्स की भी एंट्री कर दी, ये आपके सामने। अच्छा, यहां पे एंटर ओवर एब्जॉर्ब से वर्किंग कर लें, हमने ओवरहेड्स अभी कितने आपने मुझे बताए टोटल, अभी आपने मुझे कितने बताए ओवरहेड्स टोटल, हमने लिए हैं यहां पे ओवरहेड्स 830,000, ये हम कितना एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, 830,000 ये हम एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, यानी एब्जॉर्ब हम इतना एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। एक्चुअली ओवरहेड्स हैं कितने, एक्चुअल एक्चुअल ओवरहेड्स, द एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 900,000, एक्चुअल ओवरहेड्स मेरे पास कितने हैं, 900,000 है। सो 900,000 यहां से माइनस किया तो कितनी वैल्यू आती है मेरे पास, 70,000। 70,000 क्या है, दिस इज अंडर एब्जॉर्ब। अब 90,000 अंडर एब्जॉर्ब से एंट्री करें जरा, यानी मैंने अभी तक फैक्ट्री ओवरहेड्स को कितने से क्रेडिट किया, 830 से, मुझे 900 से क्रेडिट करना चाहिए इसको, 830 से मैंने क्रेडिट किया इसको, 830 से मैंने इसको क्रेडिट किया, 830 की बजाय मुझे 900 से इसको क्रेडिट करना चाहिए। सो 830 की बजाय मुझे 900 से क्रेडिट करना चाहिए, तो 70 का फर्क आ रहा है आपका, तो लाइक दिस। हाँ जी, नॉर्मली क्या करते हैं हम, यहां पे जितना भी ये अंडर अब्सॉर्ब होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि डिफरेंस कहां डालना है आपने, तो ये सवाल में क्या बताया हुआ, हमें सवाल में बताया हुआ ये बात मेंशन की हुई सवाल के अंदर, इसमें मेंशन किया अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड चार्ट द प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट लॉस को हमें ट्रांसफर करना है, क्योंकि सवाल में बताया हुआ, तो वी विल फॉलो दैट इंस्ट्रक्शंस। तो हम यू कर सकते हैं चले कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं यहां पे क्या करता हूं, डेबिट कर देता हूं, 70 मेरा एक्सपेंस हो गया, और फैक्ट्री ओवरहेड्स को मैं क्रेडिट कर देता हूं उसी 70 से, उसी 70 से फैक्ट्री ओवरहेड्स को मैं क्या करता हूं, क्रेडिट कर देता हूं। नहीं ना, कुछ इस तरह से हमारी एंट्री हो रही होगी, कुछ इस तरह से हमारी एंट्री होगी। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और फैक्ट्री ओवरहेड्स हम इसको क्रेडिट कर देंगे, लाइक दिस इज, तो ये हमारे पास एंट्री होगी। इज इट क्लियर,
क्योंकि ये एंट्री ये डेबिट और ये हमारे पास क्या है ये क्रेडिट। यहां तक मसला भी इज इट डन। अगर ओवर एब्जॉर्ब होता तो क्या करते फैक्ट्री ओवरहेड्स को डेबिट करता प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देता। तो फैक्ट्री हम यहां ओवर एब्जॉर्ब होता तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में डेबिट करता क्योंकि मैंने उसमें ऑलरेडी ज्यादा चार्ज किया हुआ काम एक्चुअली कॉस्ट तो उसको डेबिट करता मैं। तो डिफरेंस जो होता है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर इनकम स्टेटमेंट में इनकम ट्रांसफर करता तो इनकम के तौर पर मैं डिफरेंस वहां ट्रांसफर कर देता। हाँ जी इसके बाद देखें नेक्स्ट जॉब ए वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर ऑल द गुड्स वर शिप्ड टू द कस्टमर्स। हाँ जी इसका मतलब क्या है जॉब ए क्या हो गई हमारे पास कंप्लीट हो गई है। हाँ जी जॉब ए हमारे पास कंप्लीट हो गई थी फिनिश गुड्स ऑफ जॉब ए ले लेंगे। अब जॉब ए में हमने कितनी कॉस्ट लगा चुके हैं ये कॉस्ट आ गई मटीरियल की लेबर की ओवरहेड्स की कॉस्ट ऐड कर लें और जॉब ए इसी तरह से हमारे पास कहां चला जाएगा सारे का सारा ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर चला जाएगा हमारे पास। तो जॉब ए की कितनी कॉस्ट ऐड करने जॉब ए की तरह जॉब ए की कौन कौन सी कॉस्ट है कॉस्ट ऐड करने बेटा जॉब ए की मेरे पास कॉस्ट कौन कौन सी है नहीं जॉब ए के सबसे पहले मटीरियल कितना मटीरियल था 800,000 का 800 ले देते हैं जॉब ए का मटीरियल 800 का आ गया। जॉब ए के लेबर कितनी जॉब ए की लेबर इसकी ना 400 की लेबर भी आ गई मटीरियल भी आ गया लेबर भी आ गया जॉब ए का मटीरियल लेबर दोनों आ गए। जॉब ए के ओवरहेड्स कितने हमारे पास जॉब ए के दैट इज 200 तो ओवरहेड्स भी आ गए तीनों कॉस्ट को ऐड कर लेंगे हमारे पास जॉब ए की कॉस्ट आ गई जॉब ए की सारी कॉस्ट आ गई हमारे पास। अब इसी तरह से जॉब ए में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी गिवन था ओपनिंग स्टॉक कितना था ओपनिंग स्टॉक देखिए जॉब ए का 1400 वो भी दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे यहाँ पे। तो जॉब ए की सारी कॉस्ट सारी की सारी कॉस्ट तो जॉब ए का हमारे पास 800, 400 और 200 और फिर 1400 भी ऐड कर लेंगे तो जॉब ए की क्या कॉस्ट आएगी हमारे पास 400, 800, 200 और ओपनिंग 1400 इसको भी ऐड कर देंगे कितनी टोटल कॉस्ट बनती है जल्दी मटीरियल लेबर ओवरहेड्स और ओपनिंग सारी ऐड की टोटल कॉस्ट कितनी बनती जॉब ए की हरी अब सब लोग ऐड करें हाँ जी तीनों को ऐड किया 2800 तो 2800 से फिर हम क्या एंट्री पास करेंगे वी कैन से दैट 2800 हम कहेंगे फिनिश गुड्स अकाउंट ऑफ जॉब ए इसको डेबिट कर देंगे इस 2800 से फिनिश गुड्स अकाउंट ऑफ जॉब ए इसको हम डेबिट कर देंगे और ये सारी की सारी कॉस्ट कहां से आ रही है वर्क इन प्रोग्रेस से आ रही है डब्ल्यूआईपी से डब्ल्यूआईपी ऑफ जॉब ए वहां से 2800 हम क्रेडिट कर देंगे इसमें कुछ ऑपनिंग पहले पड़ा था कुछ लिया था हमारे पास। फिर इसके बाद क्या एंट्री होगी फिनिश गुड्स सारी सारी कहां ट्रांसफर होगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ जॉब ए इसको मैं डेबिट कर दूंगा 2800 से और मेरे पास फिनिश गुड्स अकाउंट ऑफ जॉब ए इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा 2800 से लाइक दिस। तो ये उसने जो कहा था जॉब ए कंप्लीट हो गई और डिलीवर टू द कस्टमर भी होगी उसकी एंट्री हमने क्योंकि कंप्लीट होगी तो सारी की सारी डब्ल्यूआईपी से निकाल के हमने फिनिश गुड्स में डाल दिया कस्टमर को भी डिलीवर होगी तो इसका मतलब इनकम अक्रूवल होगी सेल होगी हमारे पास तो हम इनकम स्टेटमेंट में डाल देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ जॉब ए उसको हम डेबिट करके और ट्रांसफर करते हैं। वैसे तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ जॉब ए नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे क्योंकि सारी की सारी ए बी सी डी जितनी भी आपकी जॉब्स हैं
सबकी कॉस्ट कहाँ ट्रांसफर होनी है, तो सारी की सारी कॉस्ट हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही ट्रांसफर होनी है, इसलिए इसको यहां लिखने की जरूरत नहीं है। यहां तक कोई मसला भी इज इट डन क्लियर बेटा सब कुछ, आगे चलते हैं। जॉब बी वॉज ऑल्सो कंप्लीटली ड्यूरिंग द ईयर, जॉब बी भी कंप्लीट होगी। हाउ एवर अबाउट 10% ऑफ द गुड्स वर रिजेक्टेड इंस्पेक्शन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जॉब बी के हम पूरी पूरी कॉस्ट लेंगे, लेकिन 10% गुड्स क्या होगी हमारे पास रिजेक्ट होगी, तो इसका मतलब 90% लेंगे फिर इसका, यानी कि सारी के सारी मटेरियल लेबर ओवरहेड और ओपनिंग स्टॉक सारी कॉस्ट ले लेंगे, लेकिन उसका हम 90% लेंगे यहां पे। और फिर आगे क्या लिखा उसमें, आगे उसने लिखा हुआ यहां पे क्या होगा, यहां पे दीज वर ट्रांसफर टू जॉब सी। अच्छा, ये 10% जो रिजेक्ट हुआ वो कहां जाएगा, वेयर दे विल बी यूज ऑप्शन। अब इसको जो 10% रिजेक्ट होगा ये जॉब सी में चला जाएगा, जब जॉब सी में चला जाएगा तो जॉब सी से फिर क्या करेंगे, इसको हम इसको ट्रांसफर कर देंगे दोबारा से उसी तरह फिनिश गुड्स के अंदर। ठीक हो गया जनाब, पहले कॉस्ट निकालें गुड्स बी हमारे पास बी की कॉस्ट, इट्स गुड, एक अच्छी एडजस्टमेंट ये निकालें यार, जॉब बी की जल्दी कॉस्ट निकालें जरा जल्दी से जल्दी। हाँ जी, कितना मटेरियल था जॉब बी के ऊपर, जॉब बी के ऊपर मटेरियल कितना था, 1200 का नंबर वन, दिस इज 1200 का मटेरियल ले जाए, 1200 का मटेरियल ले लें सबसे पहले। नंबर टू लेबर 540 की लेबर ऐड कर लें, 540 लेबर ऐड कर लें, 1200 और 540 ऐड कर लें। नंबर थ्री ये 300 भी ऐड कर लें, 300 भी ऐड कर लें, तीनों को ऐड कर लें, तीनों ऐड हो गई हमारे पास, 300 भी ऐड हो गया। नंबर फोर अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया होता, ओपनिंग स्टॉक भी ऐड कर ले, वो कितना दिया था बी का, दैट इज 2500, तो ऐड करें 1400 कितना है, एक मिनट, ये था हमारे पास 1200 और 540 और 300 है। नहीं जी, नहीं शीट ले लेता हूं मैं यहां पे, एक तो मेरे पास क्या है 1200 है बेटा, 540 है प्लस 300 है प्लस ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास 2500 करें ऐड, क्या बनता है यार, जल्दी जल्दी ऐड करें, फोर फाइव फोर जीरो डन ले जी, आ गया हमारे पास। अब ये 90% कंप्लीट, जरा गौर से इसकी एडजस्टमेंट बड़ी डिफरेंट जरा है उसमें, 540 से हम इसको कर देंगे क्रेडिट, 540 से हम इसको कर देंगे क्रेडिट किसको, ये सारी कॉस्ट कहां पड़ी हुई, WIB में पड़ी हुई है, WIB ऑफ बी में पड़ी हुई है, ठीक हो गया, तो बी को तो मैं कर दूंगा क्रेडिट। अब 90% से कहा है कि ठीक होगी, 10% रिजेक्ट हुई है, तो 540 का जरा ले 90%, 4540000 का लेंगे 90% जो कंप्लीट हो गया ये जाएगा फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स ऑफ बी के अंदर, बी के फिनिश गुड्स में चला जाएगा। जो बाकी 10% बचा है वो कहां जाएगा, उसने कहा वो सी में जा रहा है, बाकी जो 10% बचेगा, क्या सवाल है देखने का गौर से सवाल, बाकी जो 10% है वो कहां पे जाना है, वो WIP ऑफ सी में जाना है गौर से। फिर एक दफा सवाल देख लेना, लास्ट पॉइंट पढ़ ले जरा, क्योंकि जॉब बी वाज आल्सो कंप्लीटेड इन द ईयर बी कंप्लीट हो गई, हाउएवर अबाउट 10% ऑफ द गुड्स वर रिजेक्टेड, 10% चीजें रिजेक्ट हो गई यानी फिनिश नहीं हुई, दीज वर ट्रांसफर्ड टू जॉब सी, 10% कहां चले जाएंगे, जॉब सी में, जॉब सी भी हो रही है, वर्क इन प्रोग्रेस विल बी यूज्ड आफ्टर नेसेसिटी एडजस्टमेंट, इसको बाद में हम नेसेसिटी एडजस्टमेंट की बात करेंगे। तो WIP से बी को हम खाली कर देंगे, 90% फिनिश हो गई है, 10% जो इनकम्प्लीट है वो WIP ऑफ सी में चली जाएगी हमारे पास, तो करें इसका 90% लें, क्या आता है यार, 10% ले जाते पहले,
454 ले आ जाएगा, बाकी इसमें आ जाएगा 4066 क्या निकले लाइक दिस. डन. अब हमारे पास जो बी वाली कंप्लीट है, बी वाली कंप्लीट को क्या करेंगे, फिनिश गुड्स ऑफ बी. इसी तरह से फिनिश गुड्स ऑफ जो बी है वो कितने से मैं इसको ऐड कर रहा हूं, पहले मैं डेबिट किया 4066. ये वाली जो अमाउंट है कहां जाएगी, ये चली जाएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर 4066 था, ये इसमें चली जाएगी. और जो बाकी 10 था वो कहां गया, डब्ल्यू वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ सी में चला जाएगा. तो वर्क इन प्रोग्रेस सी बाकी सारी कॉस्ट में जाके ये भी एड होगा. फिर सी के वो फिर क्या करेंगे, सी के वो फिनिश गुड्स में चला जाएगा, फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा. लाइक इस तरह से ट्रांसफर होगा, डायरेक्टली वो ट्रांसफर नहीं होगा. हाँ जी, कह रहे कि सर मतलब हम यार एक भी एंट्री हो सकती है लेकिन ये एंट्री ऐसी ही होगी, यानी कि मैं यूं कर सकता था कि पहले जो मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने फिनिश गुड्स ऑफ ए को ट्रांसफर किया, तो फिनिश गुड्स ऑफ ए और बी दोनों कंबाइन को मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में भी ट्रांसफर कर सकता हूँ. लेकिन ये एंट्री ऐसी ही होगी कि इसका उसने बता दिया 90% कंप्लीट, 90% कंप्लीट तो ये फिनिश में चला जाएगा इसका 90%. तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट और डब्ल्यू एफ क्रेडिट कर देंगे, बाकी जिन कंप्लीट बता दिया उसने कि वो डब्ल्यू एफ सी में जाएगा, तो वन प्रोग्रेस सी में चला जाएगा इसको. यहां तक कोई इश्यू बेटा, इज इट डन, कौन सा क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक भाई? हां जी बेटा, सबको क्लियर है बात? अगर मैं जाऊं क्वेश्चन बैंक में वापस और सवाल देख लेते हैं, तो मैं दो तीन नहीं लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग आगे स्टार्ट हो गई है तो ठीक है. देखिए इस सवाल को देख लीजिएगा जरा, ये एक एग्जांपल आपकी बुक में बनी हुई बेटा, ये एक एग्जांपल आपकी बुक में है. तीन जॉब्स दी हुई है, उनके मटेरियल दिए हुए, उनकी लेबर दी हुई है, उनके ओवरहेड्स दिए हैं सारे आगे. अच्छा उनके अकाउंट्स भी बने हुए हैं, ठीक है. लें जी इस सवाल को देखें, याद रहा जस्ट रीड आउट ही कर लें, हम देख लेते हैं डिस्कस कर लेते हैं उसको. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या, पहले रिक्वायरमेंट देखेंगे जरा. रिक्वायरमेंट एसएच ने लिखी हुई बताया हो बस. सारी चीजें बनानी इसकी, ठीक है. यानी सबसे पहले अगर आप सवाल में देखें, यहां पे बताया हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दी हुई है, इसमें प्राइस भी दी हुई. जॉब 0503 एक जॉब है, जॉब 0402 भी एक जॉब है, जॉब 0607 जॉब, तीन जॉब दी हुई, इनकी प्राइसेस दी हुई, कमेंसमेंट डेट और कंप्लीटिंग डेट भी हमें दी हुई, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे बताया हुआ. जॉब जो तीसरी वाली जॉब है 607 इसको ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस नहीं है. जॉब 0503 और जॉब 0402 यानी पहली दो जॉब इनका हमें ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस गिवन है.
मटेरियल इश्यूज, कितने कितने मटेरियल इशू हो रहा है एक्स और वाई के लिए, लेबर कितना इशू हो रहा है। अच्छा चले मटेरियल एक्स की मुझे मटेरियल इशू हुआ एंट्री करके दिखाएं, चले जल्दी। जॉब हम जॉब जो हमारे पास 0503 उसके लिए दो तरह के मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो पहली मटेरियल की एंट्री कर रहे हैं, मटेरियल के एक्स और वाई दोनों के केजी भी दिए हैं, उनका रेट पर केजी भी गिवन है। तो पहली एंट्री जल्दी मुझे करके दिखाएं, अमाउंट बताएं, यानी आप केजीस को रेट से, रेट पर केजी से मल्टीप्लाई करना है, फिगर आ जाएगी मेरे पास। एंट्री बेटा जल्दी बताएं, केजीज कितने हैं जो एक्स और वाई के टोटल केजी 200 400, रेट पर केजी कितना है 220 और 500, मल्टीप्लाई करें, डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट और ये टोटल मटेरियल कॉस्ट सारी ऐड करें कितना है। जल्दी हरिए भरिए मुझे एंट्री बताएंगे, मटेरियल की एंट्री नहीं बताई बेटा आपने, सब लोग जल्दी मटेरियल की सिर्फ एंट्री बता देंगे, क्या एंट्री होगी किस अमाउंट से होगी। फाइन, हाँ जी जनाब, तो कल फिर हमारी क्लास कल भी होगी, ठीक है, टुमारो वी विल आल्सो टेक ए क्लास और इंशाल्लाह फिर इसी तरह से हम चलते जाएंगे। इसने बैचेस बैच कॉस्टिंग है, कल इंशाल्लाह बैच कॉस्टिंग डिस्कस करूंगा, सर्विस कॉस्टिंग डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन बैंक में तो दो ही सवाल थे चैप्टर के हमने कर लिए, उसमें देखूंगा पास पेपर में, अगर मुझे और अच्छे सवाल मिल गए तो वी विल डिस्कस दैट, अगर एंट्री नहीं हुई सेम एंट्री तो वो नहीं करेंगे हम, इफ देयर विल बी एनी डिफरेंट क्वेश्चन तो वो हम जरूर करेंगे, तो छोटा सा चैप्टर ये और इसको मूव करके देन वी विल मूव ऑन द प्रोसेस कॉस्टिंग पे फिर हम आ जाएंगे। ठीक हो गए जनाब, तो आई थिंक फॉर टुडे दिस इज सफिशियंट, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो, आज के लिए काफी बेटा, इंशाल्लाह कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। So thank you very much for today, Janab. Thank you very much.
you.